मद्रास की वो लिमोचीन चोटी जहां से साल 1999 में युद्ध शुरू हुआ, ये वही चोटी है जहां बत्रा टॉप और टाइगर हिल समेत कई चोटियां नजर आती हैं। क्या है इस लिमोचीन चोटी की कहानी, ये बता रही है सहयोगी मीनाक्षी। 1999 में जिन पहाड़ियों की आड़ लेकर खेप पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ की थी वो पहाड़ियां ठीक मेरे पीछे है। आपको सबसे पहले बत्रा टॉप दिखा देते हैं और उसी से लगा हुआ है टाइगर हिल। थोड़ा और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर थ्री पिंपल भी नजर आ जाएगा, उसी के साथ लगा हुआ है गन हिल और तोलोलिंग की वो पहाड़ियां जहां पर कब्जा जमाया गया था, क्योंकि ये ऊंचाई में सबसे ज्यादा था, सीधी चढ़ाई थी और खड़ी चढ़ाई की वजह से लगातार फायरिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। हमारे 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे, लेकिन किस तरीके से जो वहां से गोलियां बरसाई जा रही थी उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक पूरी रणनीति बनाई गई थी, रात के अंधेरे में ये चढ़ाई चढ़ी जाती थी ताकि किसी भी तरीके से दुश्मन को यह आभास ना हो कि भारतीय सेना मूवमेंट कर रही है। बिल्कुल नीचे द्रास शहर था, वो गांव था और इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगा हुआ था। वहां से सेना का जैसे ही मूवमेंट होता था तुरंत पाक आर्मी को इसकी भनक लग जाती थी और वापस से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती थी। सबका नतीजा एक ही निकला कि 26 जुलाई 1999 को यह घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने कारगिल के युद्ध को जीत लिया है और पाकिस्तानी आर्मी को न केवल खदेड़ा है बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान रजत जयंती मना रहा है, लेकिन आज भी शहीद उदयमान की जो माँ है जब भी उन्हें याद करती हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको बता दें कि मेरे सहयोगी गुरसिमरन ने शहीद की माँ से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना। हम इस वक्त शहीद उदयमान के घर पर मौजूद हैं। ये उदयमान का वो कमरा है जहाँ उदयमान रहा करते थे बचपन में अपने परिवारजनों के साथ। जब फौज में गए, वापस जब छुट्टी पर आते थे तो यही उनका ठिकाना हुआ करता था, परिवार के साथ यहाँ रहते थे। कश्मीर घाटी से लेकर जबलपुर तक हर जगह अपनी नौकरी करने के बाद जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो देश के शूरवीर को युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कारगिल में भेजा गया और टाइगर हिल पर कब्जे के दौरान भारतीय माँ के सपूत ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। एक माँ ऐसी भी है जिसे 25 साल से वो दुख भी है और गर्व भी है, वो उदयमान की माँ कांता देवी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कांता जी, आज 25 साल हो गए, देश रजत जयंती मना रहा है, जब 25 साल पीछे देखती हैं तो क्या यादें हैं? जब मैं 25 साल देखती हूँ उसका सब कुछ मुझे याद है कि कैसे वो आता था, कैसे जाता था, कहाँ कहाँ घूमता था, कैसे 25 साल माँ के लिए बहुत बड़े होते हैं कि जब बच्चा 25 साल का होता है तो माँ बोलती है इसकी शादी करा दो, वो भी बड़ा हो गया। तो मैंने कुछ भी नहीं कराया था, उसका शादी भी नहीं कराई थी, अभी 19 साल का तो सारा गोल था, ये बड़ा टाइम था उसका 25 साल होने का। तो एक ही बेटा था, एक ही बेटा खोया है मैंने, आज उसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि उम्र भी ये मन करता कि कोई ऐसा हो कि जरा मतलब बैठे पूछे भाई कहाँ जाना, आपने कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। जब कारगिल का युद्ध हुआ तब उदयमान घर पे थे, छुट्टी आए थे, आप बताते हैं क्या हुआ था तब? जब कारगिल में युद्ध था तो हमें पता भी नहीं था कि कारगिल युद्ध लगेगा, ऐसे लोग बोलते थे, हमें तो समझ भी नहीं थे भाई कारगिल क्या है, कारगिल का नाम नहीं सुना था मैंने। तो छुट्टी आया था तो सभी को बताएं कि कारगिल में युद्ध लगा है, तो 13 अप्रैल की छुट्टी आया, 14 की बैसाखी ही, बैसाखी आए दिन उसके दादू ने बड़ी खुशी मनाई, एक या लंगर लगाया, सभी मल्लों वालों को खाने के लिए बोल दिया कि खाना खाना आज हमारे घर में, क्योंकि मेरा उदयमान घर आया है, छुट्टी आया है। पूरी छुट्टी बड़े आराम से काटी उसने, 14 जून की छुट्टी ओदी खत्म हुई तो 14 जून की सोमवार था, सोमवार को चला गया ट्रेनिंग कैंप में, उसके पापा गए उसको छोड़कर आ गए, तो पहले जाता था फिर वापस आ जाता था, ठीक है, उनकी कानबाई नहीं जानी कई बार कुछ से कुछ होया, उस बार तो कुछ भी नहीं होया, कानबाई भी जा दी सब कुछ, तो चला गया 14 की, तो 5 जुलाई की वो
शहीद हो गया, 5 को हुआ। तो जब शहादत हुई, शहादत की खबर आपको कैसे पता चली? उस दिन मैं ऐसे बाहर बैठी थी, तो ये उसके पापा स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे, शाम का टाइम था। तो एक लड़का आया, आँख लगा, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। मैंने बोला कि पता नहीं स्कूल में हो गए। करते मैं क्या कि मैं ऐसे पागल थी, मैं उसके पीछे दौड़ी। मैं मेरे को बता क्या बात है, क्या बात है। कहता कुछ नहीं ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि पहले डरे हुए थे कि मेरा बेटा करगिल में है, ये होना पता है कि इन्हें ऐसी बात पता चलेगी मेरे को। मैं दौड़ कर गई अगर सुनहरे की दुकान में, बात होगी सख्त कार्रवाई। देखिए अभी तक जो प्रार्थना पत्र मिला था उसमें 3 विक्टिम और एक पुरुष और 2 महिलाएं और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं वो 2 हैं। हाथरस कांड के बाद एक्शन में डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी की SOP, जिला रेंज और जोन स्तर पर बनाए जाएंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम। जम्मू रेलवे स्टेशन पर RPF कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश की गई, बहस के बाद शख्स ने जवान पर हमला भी किया। जम्मू में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नायक दिलवर खान को दी श्रद्धांजलि, कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे जवान। पूजा खेडकर को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, ऑन पेपर हुआ था पूजा खेडकर के पेरेंट्स का तलाक, हकीकत में नहीं हुए थे अलग। बरेली में मुहर्रम पर बवाल करने वालों पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियों को चिन्हित किया, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का है आरोप, आज होगी बुलडोजर कार्रवाई। दिल्ली में कांवड़ियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने फलों के ठेलों पर लगाए नेम प्लेट, अन्य लोगों से भी की अपील। दरभंगा में पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप, पिटाई के कारण युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, मामले की जांच में जुटे हैं आला अधिकारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में झड़प, मारपीट के दौरान एक भाई हुआ बेहोश, इलाज के दौरान मौत। यूपी के हमीरपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में होटल में रंगे हाथ पकड़े गए प्रेमी प्रेमिका, युवती के परिजनों ने दोनों को पकड़ा, युवती के परिजनों ने युवक को जमकर पीटा। यूपी के सीतापुर में शराब के नशे में प्रिंसिपल पहुंचा स्कूल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों से मारपीट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नौकर ने मालिक के साथ की जालसाजी, धोखेबाजी में कागजात पर नाम अपने नाम करा लिए, मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के एटा में पुलिस ने फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है, शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में गिरफ्तारी की, हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने स्पाइडरमैन बनकर रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है, कार की बोनट पर बना रहा था रील। और बिहार के सीतामढ़ी में हत्या की योजना बनाते 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, आरोपियों से अवैध हथियार बरामद किया गया है। यूपी की बदायूं में नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 64,000 के नकली नोट और मोबाइल बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवती की हत्या का खुलासा, अपहरण के बाद युवती की हत्या के बाद चेहरे पर एसिड डाला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, 2 दिन पहले बगीचे में मिला था युवक का शव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शराबी पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, शराबी पति की पीट पीट कर हत्या की थी। यूपी के गोंडा में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा हुआ, संपत्ति के लालच में पोती ने की थी बाबा की हत्या। मिनट में 25 बड़ी खबरें आपने देखी और अब बात करेंगे हम कनाडा की। ट्रूडो के दुलारे खालिस्तानी, देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत की सीमा से
हजारों मील दूर मिल के अंदर घुसे खालिस्तानी चूहे एक बार फिर से बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वापस उनको उनके बिलों में भेजा जाएगा, क्योंकि वहां के जो सांसद है, कनाडा के एक सांसद ने आखिर कैसे खालिस्तानियों को लेकर के और पन्नों को लेकर के टिप्पणी की, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कनाडा के सांसद ने खालिस्तानियों को दिखाया आईना, कहा आजादी का गलत फायदा उठा रहे भारत विरोधी। ट्रूडो के गुर्गों को कनाडा में ही मिलने लगी चुनौती। खालिस्तानियों पर कनाडा की धरती पर ही मचेगा घमासान। आखिरकार कनाडा में छिपे बैठे खालिस्तानियों का उनके ही घर में विरोध शुरू हो गया। खालिस्तानियों के करतूतों से परेशान कनाडाई नागरिक अब उन्हें सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। इस मुहिम की कमान संभाली गए कनाडा के सांसद सदस्य सांसद चंद्र आर्य ने। सांसद आर्य ने आरोप लगाया कि कनाडा को अड्डा बनाने वाले खालिस्तानियों ने अब उनके देश में गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। ताजा मामला उस समय शुरू हुआ जब भारतीय एजेंसियों के डर से कनाडा में छिपे हुए खालिस्तानी पन्नू ने हिंदुओं को वापस भारत जाने की धमकी दे दी। इस धमकी पर भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य भड़क उठे। प्रकाश आर्य ने अपने जवाब में खालिस्तानियों को कनाडा में उनकी हैसियत बताई। आर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिंदुओं ने कनाडा के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत सकारात्मक और उत्पादक योगदान दिया है। हिंदुओं ने अपने इतिहास के साथ कनाडा के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है। हम हिंदू दुनिया के सभी हिस्सों से कनाडा में आए हैं और कनाडा हमारी भूमि है। अब खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हमारे देश को प्रदूषित किया जा रहा है। खालिस्तानी हमारे कनाडाई संविधान से मिली स्वतंत्रता की गारंटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल भारत विरोध कर अपनी दुकान चलाने वाले कायर गुरपतवत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भीख मांगने के लिए कटोरा उठा लिया है। आपको बता दें कि पन्नू को पाकिस्तानी एजेंसी ISI से पैसे मिलते हैं। आतंक का एक्सपोर्टर पाकिस्तान खुद ही भिखारी हो गया है, इसलिए खालिस्तानी पन्नू की फंडिंग भी कम हो गई है। पैसों के लिए पन्नू एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए पन्नू ने बयानबाजी शुरू कर दी। पन्नू ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बयानबाजी की, कनाडा में बसे हिंदुओं को भारत लौटने की नसीहत दी। फिर कनाडा में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मंदिर की दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई। मंदिर में तोड़फोड़ का शक खालिस्तानियों पर ही है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने इसी का विरोध किया है। आर्य ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कनाडाई सांसद ने कहा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि खालिस्तानी समर्थक नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच जाते हैं। इसे लेकर हिंदू कनाडाई चिंतित हैं। कनाडाई एजेंसियां इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कनाडा भारत विरोधी खालिस्तानियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह साबित हुआ है। पिछले साल खालिस्तानी आतंक निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास तक आ गई थी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो कई बार खालिस्तानियों के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। आतंकी निज्जर की हत्या का मामला तो वहां की संसद तक पहुंच गया था। हालांकि भारत की कड़े तेवर के बाद ट्रूडो ठंडे पड़ गए, लेकिन एक बार फिर ट्रूडो राज में पाकिस्तानी खालिस्तानी लॉबी ने